समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू ने सिविल लाइन्स स्थित नगर निगम कार्यालय पर पहुंचकर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आगामी त्योहारों पर शहर में साफ सफाई के साथ पद प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त करने की अपील की गई है। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कांवड़ यात्रा के साथ बकरीद के त्योहार को लेकर शहर में साफ सफाई दुरुस्त रहे और भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, जो भविष्य में आने वाले त्योहार हैं, जैसे बकरीद का त्योहार है और सावन मास आ रहा है, उसके लिए आज हम नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि बकरीद पर पानी की व्यवस्था जो है वो ठीक रखी जाए और जो पड़ाव घर हैं उन पर जो कुर्बानी के बाद हालात पड़ेंगे उनको जल्द से जल्द वहाँ से उठवाया जाए और उसको दफनाने के लिए जो जहाँ जहाँ गड्ढे खोदे जाते हैं पहले से, उनको गड्ढा खोदा जाए और उन्हें वहाँ दफना दिया जाए। दूसरा, हमने सावन मास में ये मांग की है कि जहाँ जहाँ कांवड़ रखी जाती हैं उन मंदिरों का आसपास की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त की जाएँ और कांवड़ियों को रहने का इंतज़ाम किया जाए। गर्मी बहुत है, गर्मी से बचाव के लिए जो बेहतर इंतज़ाम हो सकते हैं नगर निगम द्वारा। क्या आश्वासन दिया गया आपको? नगरायक जी द्वारा, अपन नगरायक जी ने हमारा ज्ञापन लिया है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हमारे द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं और बेहतर इंतजाम करने के हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी और ज्ञापन।